वेल फ्रेंड्स, आज हम पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस को चार भागों में विभाजित किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसी तरह इन द सेम मैनर वी विल डिवाइड पास्ट टेंस इन फोर पार्ट्स: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटकर पढ़ा और समझा कि प्रेजेंट के कौन से कार्य हैं जिन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट के कौन से वाक्य हैं जिन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, और प्रेजेंट टेंस के कौन से वाक्य हैं जिन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, तथा प्रेजेंट के कौन से कार्य हैं जिन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। ये सारी बातें हमने इससे पूर्व वीडियोज में समझ ली है। आज उसी बात ही हम पास्ट टेंस को समझेंगे। पास्ट टेंस को भी हम चार भागों में बांटेंगे, जैसे मैं यहाँ बोलकर आपको समझा रहा हूँ, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हम पास्ट टेंस को चार भागों में बांट रहे हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बात आप समझ लीजिए कि पास्ट का चाहे वो इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे वो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सभी में कार्य भूतकाल में होकर पूर्ण हो गया। अर्थात कोई भी कार्य अधूरा नहीं है, सभी पूर्ण हैं और भूतकाल में। जैसे परिभाषा में लिखा है ना, टू एक्सप्रेस एन इवेंट विच ऑक्योर्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, अर्थात भूतकाल में ही सारे कार्य पूर्ण हो गए। अब हमें समझना है कि भूतकाल में कौन से ऐसे कार्य हैं जो पूर्ण तो हो गए लेकिन वो केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाएंगे, उन्हें हम किसी अन्य टेंस में नहीं लिख सकते। भूतकाल के कौन से ऐसे सेंटेंस या कार्य हैं जो केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे जाएंगे और किसी टेंस में नहीं लिखे जा सकते? भूतकाल में कौन से ऐसे कार्य हैं जो पूर्ण हो गए हैं और पास्ट परफेक्ट में लिखे जाएंगे? ध्यान रहे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी भूतकाल में पूर्ण होने वाले वाक्यों को लिखते हैं और पास्ट परफेक्ट में भी। तो फिर दोनों में क्या अंतर है, ये आगे हम जैसे जैसे इसको आगे बढ़ेंगे आपको समझाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन से ऐसे कार्य जो पूर्ण हो गए हैं भूतकाल में ही लेकिन वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाएंगे, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखे जाएंगे, और भूतकाल में ऐसे कौन से सेंटेंस या कार्य हैं जिन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस में सभी प्रकार के वाक्यों में कार्य भूतकाल में ही पूर्ण हो गए थे। लेकिन अब हमें उस पास्ट टेंस को चार भागों में डिवाइड करके पढ़ना है कि ये पास्ट टेंस तो है लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट के बंद में आएगा, उसके हिस्से में आएगा, अर्थात इस वाक्य को, इस एक्टिविटीज को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में या परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो मैं जनरल आपको एक बार इन चारों के विषय में आपको थोड़ा समझा दूं, फिर मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोड्यूस करूंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कहां करेंगे, अर्थात भूतकाल के कौन से कार्य हैं जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखे थे? सीधी सी बात है कि भूतकाल में ऐसे कार्य जो घटित हुए, द इवेंट्स टू प्लेस इन पास्ट, पास्ट का मतलब कल
से लेकर हजारों वर्षों पहले तक, कोई उसका लिमिट नहीं है कि यस्टरडे से लेकर और पीछे कहीं तक भी जाओ हजारों वर्ष पहले से दादी पहले, वो सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही माने जाएगा। अर्थात ऐसे भूतकाल की घटना जो भूतकाल में घटित हुई और आज हम उसकी मात्र सूचना देना चाहते हैं। द इवेंट दैट टूक प्लेस इन पास्ट, नाउ वी वांट टू गिव एन इंफॉर्मेशन अबाउट इट, दैट वी विल यूज ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अर्थात भूतकाल में कोई घटना घटित हुई, एक एक से भी घटना, घटना या घटनाएं, इवेंट और इवेंट्स दैट टूक प्लेस इन पास्ट, बट नाउ वी वांट टू गिव ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट देम, हम उसके बारे में केवल सूचना देना चाहते हैं, उसे जगह कुछ नहीं। देन वी यूज ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का या किसी अन्य टेंस का उसमें प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, हमने क्या सूचना दी कि भारत 1947 में आजाद हुआ, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, एक सूचना है। जैसे दूसरा सेंटेंस है, सी पास्ट बोर्ड एग्जाम लास्ट ईयर, अर्थात उसने पिछले साल बोर्ड की परीक्षा पास की। तो ये दोनों सूचना है, आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, तो ये भी मैंने कल मैं कहा गया उसके केवल सूचना दी। तो इस तरह की सूचना है, चाहे वो कल से लेकर कितने वर्ष पहले की सूचना हो, अगर हम उनको केवल एज ए इंफॉर्मेशन वी वांट टू गिव देम, देन वी विल यूज ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के मंड में कौन से वाक्य आएंगे, भूतकाल में कौन से कार्य हैं जो केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे जाएंगे। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके साथ हम जनरली अकेला वाक्य उसका प्रयोग नहीं करते, उस घटना के साथ एक घटना और जोड़ते हैं। एक वाक्य जिसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है और एक वाक्य उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है जनरली। पढ़ाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का प्रयोग करके हम सिंगल सेंटेंस आपको समझाएंगे, लेकिन परीक्षा दृष्टिकोण से हम उनके साथ दूसरे वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से। तो भूतकाल में कोई घटना चल रही थी और आज हम उसे बताना चाहते हैं, आज नहीं पहले हो रहा था, और जो हो रहा था उसका एक प्रमाण के लिए एक विटनेस वहाँ होता है, एज ए विटनेस, एज ए विटनेस जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, और जो घटना उस समय जारी थी उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। जैसे द टीचर वाज टीचिंग इन द क्लास व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, अर्थात जब मैं कक्षा में मैंने प्रवेश किया तब गुरुजी पढ़ा रहे थे, तो पढ़ा रहे थे पास कंटिन्यू इवेंट, और अचानक मैं वहाँ आया ये पास इंडेफिनिट। ऐसी स्थिति में एक वाक्य पास कंटिन्यूअस था और एक पास इंडेफिनिट टेंस का, तो पास कंटिन्यूअस टेंस के साथ में पास इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य है वो एज ए वीकनेस आएगा, या फिर एक कार्य कंटिन्यू चल रहा था और अचानक दूसरी घंटा खड़ी हो जाती है, अर्थात हमें उस वक्त उसकी कोई सूचना नहीं होती है और अचानक कोई दूसरी घटना घट जाती है, तो अचानक घटना जो घटती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और जो चल रही होती है उसकी वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे आई वाज रीडिंग इन माय रूम व्हेन समबॉडी नॉक्ड एट द डोर, जब मैं मेरे कमरे में पढ़ रहा था तो किसी ने अचानक आकर मेरे कमरे को खोल दिया, तो नॉक करना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उस समय मैं पढ़ रहा था उस समय कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, ये जैसे हम आगे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम जनरली
करते हैं जब दो घटनाओं में ये बताना जरूरी हो कि इसमें पहले कौन सी घटित हुई और बाद में कौन सी घटित। अगर भूतकाल की हम कोई घटना को की सूचना देना चाहते हैं तो वी हैव पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कितनी भी पुरानी घटना हो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। लेकिन जब दो घटनाएं होती हैं, जैसे सेकंड बनेगा माई
मदर हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 30 मिनट्स इन द किचन व्हेन आई कॉल्ड हर। तो यहां क्या हुआ, यहां पे देखिए हैडिंग एक ऑब्जेक्ट कंटीन्यूअस हो गया और इसके साथ हमने समय को जोड़ दिया। जब हम किसी कंटिन्यूअस टेंस के साथ समय को जोड़ देते हैं सिंस और फॉर से, तो वही बात ही हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है और उसकी हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह बदल जाते हैं। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस के साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एक बात का और आप ध्यान रखें पास्ट टेंस के ऊपर टेंस में, कि पास्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो किसी अन्य टेंस के साथ जनरली प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए कि हम पास्ट टेंस का प्रयोग फ्यूचर के साथ नहीं कर सकते और हम पास्ट टेंस का प्रयोग प्रेजेंट के साथ भी नहीं कर सकते। इसलिए पास्ट टेंस को जब किसी अन्य की आवश्यकता होती है, हेल्पर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट टेंस है वो हमेशा फ्यूचर की हेल्प करता है। वी कैन राइट टू सेंटेंस टुगेदर, वन फ्रॉम प्रेजेंट एंड वन फ्रॉम फ्यूचर, बट वी कैन नॉट राइट टू सेंटेंस फ्रॉम वन फ्रॉम प्रेजेंट और वन फ्रॉम पास्ट, या वन फ्रॉम फ्यूचर एंड वन फ्रॉम पास्ट, ऐसा नहीं होता। तो पास्ट टेंस को जब अपने किसी हेल्प की आवश्यकता होती है तो उसके चार मेंबर्स आपस में हेल्प करते हैं, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट कंटिन्यूअस आ सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है, पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है। तो वी कैन यूज इंडेफिनिट टेंस विद ऑल हिज फैमिली मेंबर्स। ये जनरल है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ में हेल्प करता है, लेकिन पास्ट टेंस कभी भी अपने पड़ोसियों से, पड़ोसी का मतलब जैसे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ये क्या है, इसका पड़ोसी ये है और इसका पड़ोसी ये है, तो इसकी दोनों पड़ोसियों से नहीं मांगती है। द रिलेशंस आर नॉट गुड विद हिज नेबर्स, लेकिन ये दो अलग अलग हैं, ये दोस्त इनके आपस में बनते हैं। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैन बी यूज टूगेदर, वी कैन यूज देम, बट पास्ट टेंस जो है वो अकेला ही रहता है, उसके अन्य साथी जो पास्ट टेंस के मेंबर्स हैं वो ही उसके साथ आते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का प्रयोग उसके साथ हम जनरली नहीं करते। तो ये था, मैंने पास्ट टेंस के विषय में आपको जनरल आइडिया दिया कि किस तरह से पास्ट टेंस को हम विभक्त करने पड़ेंगे। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस और इसका जो रूल है, देखिए अब मैं यहाँ आ रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी टेंस को जानने के लिए हम उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और की वर्ड्स को देख कर ही हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कर सकते हैं। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, ओनली डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, एंड इट कैन बी यूज विद ऑल द सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी हो सकता है, उनके साथ में हम इट का प्रयोग करेंगे। तो एक हेल्पिंग वर्ब है दैट इज डिड। इन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ द पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया था, उसी भांति पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है तो या तो वो वाक्य नेगेटिव होगा या वो इंट्रोगेटिव होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, और जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे राम रोड ए पॉइंट, या राम है और मैन वर्ब
की सेकंड फॉर्म है रॉड एक पोएम। तो राम ने कभी कोई कविता लिखी थी उसकी हम सूचना दे रहे हैं तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया। हम इसके बाद में वो टाइम पास्ट टाइम भी दे सकते हैं। राम डिड नॉट राइट इट, ये देखिए यहाँ डिड का प्रयोग हुआ और आगे नॉट, लेकिन यहाँ ध्यान दें आपको कि जैसे ही डिड का प्रयोग हुआ वाक्य में तो मैन वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म आता, मैन वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म आता और डिड राम राइट इट, तो देखिए जैसे डिड आ गया तो मैन वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ और केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब आइए सेकंड फॉर्म ऑफ डिड, मैन वर्ब भी किसी तरह और भी हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट इज डिड एंड डिड इज यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, बट वी डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आइए कि मेन वर्ब का कौन सा प्रयोग होता है। मेन वर्ब इज सेकंड फॉर्म ऑफ प्रयोग, सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई वाक्य लिख रहे हैं और वो वाक्य अफर्मेटिव है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे He killed a tiger. He killed a tiger. अर्थात किसी ने कोई टाइगर को मारा उसकी हम सूचना दे रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही किल्ड ए टाइगर, ये हमें इसका प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बताए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यार एक और बात हम ध्यान लगा देता हूँ, डिड प्लस फर्स्ट ऑफ, अर्थात वाक्य में जब डिड का प्रयोग कर देते हैं तो वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ डिड इज यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब इन द sentence, then we use first form of the main verb। अर्थात जो ही helping verb बाकी में आ जाती है तो हम उस main verb को first form में बदल देते हैं। ये तो डिड के साथ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और डिड नहीं है तो मैन वर्ब की सेकंड। तो ये आपको मैन वर्ब के बारे में आपको जानकारी हुई कि डिड जो है, क्योंकि डिड जो है वो भी सेकंड फॉर्म है। जब हम हेल्पिंग वर्ब को सेकंड फॉर्म कर देते हैं तो मैन वर्ब को फिर सेकंड फॉर्म में नहीं रखा जाता। तो ये देखिए दिस इज ऑल अबाउट दी मैन वर्ब ऑफ दी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैन वर्ब इज यूज्ड second form, when we use did or helping verb in the sentence then we use first form in its place of second form. Second form of the verb is the verb of first form ka prayog karte hain jab vakya mein helping verb ka prayog karte hain, did ka prayog karte hain। to ye dono form clear ho gaye ki helping verb kya hoti hai past indefinite tense ki aur main verb kya hoti hai wo first form kahan kab ho jati hai aur second form। अब आइए तीसरा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हमारा वो है कीवर्ड्स। यस्टरडे, एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, पास्ट, लास्ट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या कोई पास्ट टाइम। पास्ट टाइम का भी भूतकाल का कोई भी समय, किसी त्यौहार का नाम हो सकता है, किसी घटना का नाम हो सकता है, किसी वर्ष का नाम हो सकता है जैसे 2010 है ना, या फिर कोई लास्ट से होने वाला शब्द है। ये सारे शब्द जो है वो भूतकाल से संबंधित, तो ये सारे सब जो हमें इस भूतकाल के बारे में सूचना देते हैं तो इसका मतलब है कि ये कार्य पहले या इससे पहले हुआ, भूतकाल में हुआ और अब हम उसकी सूचना दे रहे हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे यूज ऑफ द टेंस, क्या हम इस टेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेयर वी यूज वेयर टू बी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कहां करें। तो देखिए, टू एक्सप्रेस एन इवेंट विच ऑकर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, अर्थात भूतकाल में कोई किसी समय विशेष पर कोई घटना घटित होती है और हम उसको एक्सप्रेस करने जाते हैं, हम उसकी सूचना देना चाहते हैं। घटना दो साल पहले हुई या 100 साल पहले हुई, 1000 साल पहले हुई या कल हुई, स्टडी हुई, अगर हम सभी को हम आज बताना चाहते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। और दूसरा है हैबिट ऑफ पास्ट टाइम विच डू नॉट एग्जिस्ट नाउ, अर्थात कोई हमारी पुरानी आदत थी वो आदत आज हमें नहीं है, पहले हमें ये आदत थी जिसका प्रयोग हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पहले स्मोकिंग करता था आजकल नहीं करता है, तो वो कहेगा आई यूज टू स्मोक बट नाउ आई डू नॉट। तो ऐसी स्थिति में अर्थ हुआ कि वो पहले ऐसा काम करता था, पहले ऐसा काम करता था, आजकल वो ऐसा काम नहीं करता है। तो टू कैन पास्ट हैबिट वी कैन यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसकी स्ट्रक्चर बनेगा यूज्ड टू, है ना। तो ऐसे से अब देखिए, ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, अर्थात मुख्य बात हुई कि भूतकाल की कोई भी घटना है चाहे वो कल से लेकर 1000 वर्ष पुरानी हो, उन सब को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, क्योंकि जस्ट वी आर गिविंग ओनली इन्फॉर्मेशन, उसकी सूचना दे रहे हैं उसके विषय में और कुछ नहीं बता रहे हैं, केवल उस घटना की सूचना दे रहे हैं, ये घटना अमुक समय पर घटित। जैसे आई पास्ट 10th क्लास लास्ट ईयर, मैंने कक्षा 10 लास्ट ईयर पास किया। माई फादर पास्ट 10th क्लास इन 1995, मेरे पिताजी ने 1995 में क्लास 10 पास की, तो उसमें ये भी है आई पास 10th क्लास लास्ट ईयर, माई फादर पास 10th क्लास इन 1995, माई ग्रांड फादर पास 10th क्लास इन 1960। तो देखिए, कोई भी घटना है पुरानी है, हम सभी में मैनवर की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से पुरानी है या पुरानी कोई बात है आज हम उसकी सूचना देते हैं तो वी यूज ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको समझना है। तो पहले इसका रूल देखिए, रूल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वर्ब दैट इज डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट ऑफ वन प्लस ऑब्जेक्ट, और थर्ड है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वन प्लस ऑब्जेक्ट, और एंडिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप किसी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए She went to Jaipur yesterday. Negative बनाइए, She did not go to
जयपुर यस्टरडे डेट सी गो टू जयपुर यस्टरडे और डेट सी नॉट गो टू जयपुर इंग्लिश में हम इनका इसके अनुसार हम जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में ये फॉर्मूला है नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ये तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लिखेंगे। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो अपने परिवार के सभी मेंबर्स के साथ अर्थात कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ तो आता ही है वो अपने आप के साथ भी आता है जैसे पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा जैसे दो घटनाएं घटित हुई भूतकाल में टू इवेंट टू प्लेस इन पास्ट टाइम वन आफ्टर अनदर देयर वाज नो पेस बिटवीन देम एक ही एक्शन में दोनों कार्य हो गए अर्थात एक घटना के तुरंत बाद में दूसरी घटना घटित हो गई या एक ही एक्शन में एक साथ ही लगभग एक के तुरंत बाद में देयर वाज नो पेस बिटवीन देम तो हम पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात एक एक्शन में दोनों घटनाएं घटित होगी जैसे आई टुक ए स्टोन एंड थ्रू आई टुक मैंने पत्थर उठाया और फेंका तो उठाना और फेंकना अर्थात एक ही एक्शन में दोनों कार्य हो गए। आई टुक ए राइफल एंड फायर आई टुक ए राइफल एंड फायर इसी तरह से जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मुझे सांप दिखाई दिया अर्थात दरवाजा खोलते ही दूसरा दूसरी एक्शन भी दूसरी क्रिया भी हो गई तो ऐसी स्थिति में हम पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट करते हैं अर्थात टू इवेंट्स टू प्लेस इन पास्ट टाइम बट देयर वाज नो स्पेस बिटवीन देम एक के बाद दूसरी घटना तुरंत घटित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हम एंड का प्रयोग करके या एज सून एज का प्रयोग करके या किसी अन्य स्थिति का प्रयोग करके हम दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य एक साथ लिख सकते हैं। आज देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने पास्ट टेंस के विषय में भी आपको बताया वेयर डू वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस वेयर डू वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वेयर डू वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड वेयर डू वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसके बाद मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूज भी बताया। ये पास्ट इंडेफिनिट के लिपिंग वर्ब्स हैं ये मेन वर्ब्स का प्रयोग है और ये जो है कीवर्ड्स हैं और ये पास्ट इंडेफिनिट को हम कहाँ यूज़ करेंगे और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के चारों सूत्र हैं और ये मैंने थोड़ा और बताया आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। अब आगे जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देंगे। कृपया सभी वीडियोज़ को आप टेंस वाइज कंटिन्यू देखें ताकि आपको समझ